नीचे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से दिख रहा है ढाई दिन का झोपड़ा, चढ़ाई चढ़ चढ़ के हालत खराब हो गई और तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ के ये तारागढ़ की दरगाह है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं इस वक्त हूँ अजमेर में दरगाह मोहिद्दीन चिश्ती की और ये जो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग होने वाले हैं तारागढ़ का। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तारागढ़ और तारागढ़ की चढ़ाई करते हैं और तारागढ़ का ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट करके दूंगा। जितना हो सकता है उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं इस वक्त कितना भीड़ है। तारागढ़ जाने के लिए दो तरीका है। सबसे पहला नंबर, हम गाड़ी से जा सकते हैं, गाड़ी भी शेयरिंग नहीं मिलता है, करीब 500 या 600 का रिजर्व करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है पैदल चलने का। तो अगर इतने पैसे खर्च करके अगर इतनी दूर आया हूँ, कुछ माना हुआ चीज़ अगर कबूल हो जाए तो पैदल चल के जाना चाहिए। यह अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास होगा जो मैं इस वक्त पैदल चल के तारागढ़ की ओर जा रहा हूँ और ऊपर खड़ी पहाड़ों की चढ़ाई करूँगा, क्योंकि जो चढ़ाई है बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और इस पर कुछ ज़्यादा थकान भी होगा, पर कोई नहीं। और कमिटमेंट किया हूँ कि आप लोगों को मैं वीडियो कंटिन्यू दूंगा, तो चाहे तारागढ़ हो या चाहे कोई भी जगह हो, ताकि वीडियो कंटिन्यू रखूँ और आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूँ। तो अब आगे की ओर चलते हैं और जो ये मेरा सफ़र है पैदल चलने का, इसे कंटिन्यू करते हैं। मेरा भी ले लो मोटर। जैसे कि आपने देखा कि नीचे पैसे खुले करवाया, 100 रुपये का 90 रुपये मिल रहा है, चाहे नोट लो या सिक्के लो। ले करके चढ़ाई चढ़ चुका हूँ। फिलहाल तो आप लोग पीछे देख रहे हैं, अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास आए हैं और हालत बुरी हो गई। पीछे की नज़ारा देख करके आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि नीचे से आ रहे हैं जो गेट सामने दिख रहा है, इस गेट से अभी और ऊपर की ओर चलना, अभी तो कुछ भी नहीं आया। अभी तो 20 किलोमीटर प्लस है ये चढ़ाई, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये सामने वो आप लोग नदी देख रहे हैं, वो अनासागर झील है, उस साइड है। हालांकि ये अजमेर में ही है, थोड़ा हटके यहाँ से अराउंड दरगाह से करीब 2-2.5 किलोमीटर है और ये नीचे का पूरा व्यू है। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रहा है। तो ये इस तरह से ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए बहुत से ऐसे छोटे मोटे मज़ार भी आते हैं, कहीं चप्पल खोलना पड़ता है, कहीं पहनना पड़ता है। तो हम लोग अभी इस तरह से पहुँचे हैं यहाँ तक। तो यहाँ से ऊपर चढ़ने की चढ़ाई है, तो ये आप लोग सामने देख सकते हैं कि अनासागर झील सामने एक पानी का वो दिख रहा है, नीचे ये दरगाह। नाम बोल कर डालो अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने माँ बाप के नाम से, दुआएं मांग कर डालो, दुआएं कबूल हो। अगर यहाँ का धंधा देख लो, देख देख लो भाई, पहले नीचे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से दिख रहा है ढाई दिन का झोपड़ा। इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को, ये है ढाई दिन का झोपड़ा। अब इसकी जूम दिखाता हूँ आप लोगों को कितनी दूरी पे है, ये इस तरह से। चढ़ाई चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गया। हालांकि अभी आधे रास्ते भी कवर नहीं हुआ, अभी बहुत ज़्यादा है, आधा रास्ता चढ़ना बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गया। ये आप लोग पीछे देख रहे हैं कि जगह जगह जितनी चढ़ाई होगा उतनी एक्टिविटी दिखती जाएगी। दुकानें हैं खाने पीने का, पेप्सी का, जूस का, नींबू पानी का, घोड़े का, फोटो का, बहुत ही रोमांचक है जगह जगह। और ये जो रास्ते, कुछ लोग यहाँ से चढ़ भी रहे हैं, कुछ उतर भी रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि सामने भी दुकान आ रहा है हर जगह, और ये नीचे की है। सब जो कहाँ जा रही है बेटिया? तारागढ़। बेटी तारागढ़ आप नहीं जा रही हो, तारागढ़ मैं उठा के ले जा रहा हूँ। तो ये पैदल चल चल के एक कंधे पे बैग, दूसरे ये गोद में बच्चे हैं। और इस तारागढ़ की चढ़ाई इतना आसान नहीं है, ये आप लोग पीछे देख सकते हैं कि जितना भी चढ़ाई चढ़ो और जितना पास आओ, धीरे धीरे बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है देखने के लिए मिलता है और छोटे छोटे मज़ार भी दिखते हैं, मज़ार भी है। मुझे लगता है कि 75% मैं रास्ता कवर कर चुका हूँ पैदल चल चल के। अब थोड़ी देर में हम तारागढ़ पहुँच जाएंगे। नीचे से दिखता है कि तारागढ़ बहुत नज़दीक है और जितना आगे चलते रहो ऐसा लगता है कि बहुत दूर है। जा रही हो सज्जो बेटिया? कहाँ जा रही? सज्जो तारागढ़ जा रही है इस गाड़ी पर बैठ करके। चलो अब तारागढ़ पहुँच गए, वापस आ जाओ, गाड़ी से नीचे उतरो। बनिए 20 रुपये में, झांसी की रानी बनी है 20 रुपए में,
एक मील का फोटो 20 रुपए के अंदर, तत्काल फोटो 20 रुपए का, एक प्लेट में लीजिए, टीपू सुल्तान बनिए 20 रुपए में, झांसी। फाइनली तारा घर की चढ़ाई मुकम्मल हुआ, ये आप लोग पीछे देख सकते हैं। अब मैं दरगाह की ओर जा रहा हूँ और दरगाह तक पहुँचा नहीं हूँ, दरगाह हालांकि यहाँ से 500 मीटर और रह गया। फाइनली तारा घर की चढ़ाई मुकम्मल हुआ, ये आप लोग पीछे देख सकते हैं। अब मैं दरगाह की ओर जा रहा हूँ और दरगाह तक पहुँचा नहीं हूँ, दरगाह हालांकि यहाँ से 500 मीटर और रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह तारा घर पहुँच चुका हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये जो रूम टाइप में बना है, ये हालांकि ये खादिम की जगह है, जो हमारे एक मित्र है, बहुत ही पुराने दोस्त है, खादिम है। मैं इनके पास आया और काफ़ी टाइम हो गया था मुलाकात किए हुए, और आज मुद्दत से मुलाकात भी है। तो ये है हमारी वसीम साहब, सलाम अलैकुम। तो भाई साहब से आज मिले पूरे 4 साल बाद, और बीच में मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, आज मुझे मौका मिला है, क्योंकि आज मैं तारा घर आया हूँ। और तारा घर की चढ़ाई चढ़ के, ये तारा घर की दरगाह है, और इस दरगाह को अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, और नीचे से लेकर ऊपर तक की चढ़ाई किया हूँ, जितना हो सकता है आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और तारा घर के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।